नया खुलासा हुआ है कि जिसमें आरोप लगे हैं कि केजरीवाल के घर पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इस 171 करोड़ रुपए का पूरा गणित आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन को सुनिए कैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई 45 करोड़ नहीं, ये शीश महल का मामला तो 171 करोड़ का है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा, कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। तो अब मामला 171 करोड़ पर लेकर चली गई है कांग्रेस। केजरीवाल के घर पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का जो नया गणित अजय माकन जी समझा रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं कि ये 171 करोड़ कहां से आए। भाई ये शीश महल का मामला तो और बड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेनोवेशन पर खर्च हुआ जो हमने भी आपको बताया 45 करोड़, ये तो सबको बताया कि भैया 45 करोड़ खर्च हुए। लेकिन अजय माकन का दावा है कि घर के बगल में 22 ऑफिसर्स फ्लैट, जिसमें 15 फ्लैट या तो खाली कराए गए या तोड़वाए गए, और 7 फ्लैट दोबारा आवंटित नहीं करने का निर्देश दिया गया, और इसके लिए 21 फ्लैट खरीदे गए, और इन 21 फ्लैट को खरीदने का जो खर्च आया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में ये नए फ्लैट खरीदे गए, हर फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए, यानी 6 करोड़ × 21 = 126 करोड़ रुपए। भाई अजय माकन दावा कर रहे हैं कि जब आपको अपना ये शीश महल और बड़ा करना था उसी के चक्कर में ना ये 21 फ्लैट खरीद रहे हैं जिसमें 126 करोड़ लग रहे हैं। आप नहीं बड़ा करते, वो लोग वहीं रह रहे होते तो ये 126 करोड़ वेस्ट नहीं जाते। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 45 करोड़, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 45 + 126 तो वो कह रहे हैं ये 131 करोड़ का घोटाला है। भाई गड़बड़ है मामला, वो यहां ले आए 171 करोड़ पर कि जनता के टैक्सपेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल 171 करोड़ रुपए का हुआ है। अजय माकन ने केजरीवाल के शीश महल पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगाने के साथ ही शीश महल बनाने में दिल्ली के मास्टर प्लान की अनदेखी का भी आरोप लगाया है, और अजय माकन ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत भी कर दी है। अजय माकन ने पूरे मामले की जांच के बाद आरोप सही साबित होने पर मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने की मांग की है। मतलब अगर ये चिट्ठी एलजी स्वीकार करें और इस पर जांच हो तो वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी को जेल में डालिए। ये अजय माकन आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के घर को बनाए जाने में मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि केजरीवाल जी का घर सिविल लाइंस के ओल्ड बंगलो जोन में है जो कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। वो कह रहे हैं केजरीवाल का पुराना घर तो एक मंजिल का था, इसकी जगह बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत बना दी गई है, और केजरीवाल का नया घर बनाने के लिए परिसर में लगे 28 पेड़ काट दिए गए। यह भी आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर बिना टेंडर निकाले घर का पूरा काम करवा लिया गया है। तो अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का भी मामला है, क्योंकि सरकार ने बजट तो पास करा लिया लेकिन केजरीवाल के घर के रेनोवेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, और वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े आरोप हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए और केजरीवाल जी पर एक्शन होना चाहिए। ये तो केजरीवाल के शीश महल की बात थी। अभी इस पर टाइम्स नाउ नवभारत पर और खुलासे होने, ये आपको बता दूं। पहले जरा हम भावना की लड़ाई लड़ लें, इस देश के आम नागरिक की लड़ाई लड़ लें, हर मां मह बहन बेटी के मन में यह विश्वास भर दें कि कोई भी आदमी सत्ता में बैठकर सिस्टम को हिला नहीं देगा, एक आम आदमी के खिलाफ खड़ा होकर आम आदमी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। यह लड़ाई हम पहले जीत लें, उसके बाद फिर शीश महल पर खुलासे होंगे।